रेवाड़ी ब्रेकिंग, 10वीं कक्षा की छात्रा की हत्या का मामला। दो दिन पहले सिटी थाने में दर्ज हुआ था नाबालिग छात्रा के अपहरण का केस। पुलिस जांच के मुताबिक एक लड़का लड़की को लेकर गया था, जिसने दो दिन पहले लड़की पर चाकू से वार कर हत्या की, फिर उसने ट्रेन के सामने कूद कर आत्महत्या कर ली। लड़के का शव एक दिन पहले मिला था, जिसका पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं लड़की का शव देर रात मिला, जिसका पोस्टमार्टम आज करवाया जा रहा है। लड़के की स्कूटी पर खून के निशान थे, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों केसों की कड़ी जोड़ी। NH के पास खेतों में एक डेड बॉडी लड़की की, जो स्कूल में पढ़ने वाली है, उसकी सूचना मिली थी। हम मौके पे गए, मौके पे हमने देखा तो उसके चाकू मारकर उसकी हत्या की हुई थी। तो इसी संबंध में उसके जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने हमारे थाने में गुमशुदगी की, लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसमें हमने मुकदमा दर्ज किया था। तो उसमें फिर लड़की की आइडेंटिफिकेशन करवाएगी पेरेंट्स को वहाँ पर मौके पर लेकर, तो उन्होंने लड़की की शिनाख्त कर ली है। तो इसी संबंध में पता लगा है भी वो एक लड़का कल रेल तड़ा कट के मर गया था, जो उसकी स्कूटी भी वहीं पर मौके पर मिली थी। तो हमारे SHO साहब विद्यासागर जी वहाँ पर मौके पर GRP के वहाँ पर थाने में गए, तो थाने में देखा तो वहाँ पर उसके कपड़े कुपड़े भी वह शनाख्त किए, तो उसकी स्कूटी पर भी कुछ बल्ट के निशान थे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो लड़का है, इस लड़की को तंग करता था, तो उसको उसी रंजिश के कारण उसने उसकी हत्या की है, फिर बाद में उसने सुसाइड कर लिया। अपहरण की बात तो नहीं कह सकते, स्कूल में वो परसों की बात है। परसों 4:30 मतलब स्कूल की छुट्टी हो जाती है, तो वो अब स्कूल से तो लड़की अकेली गई है। बाद में फिर पता लगा है भी वो उस लड़के के साथ अभी पूरी तरह से मतलब वो नहीं है, तो पता लगा है भी उसके लड़के के साथ ही, जो उनके पेरेंट्स हैं उन्होंने जो हमें बयान दिए हैं भी उस लड़के पे शक है भी उन्होंने ये काम कर दिया। तो अभी उसका पोस्टमार्टम करवा के वारसान के हवाले उसकी डेड बॉडी की जाएगी, तो उसके बाद हमारी तफ्तीश में जो भी पहलू आएगा उसके आधार पर। तो क्लू इसमें ऐसा है ना, जो उन्होंने पेरेंट्स ने बताया अभी वो उसको कई बार तंग करता था, उन्होंने उसको धमकाया भी था, तो उसमें इसी करके इसी आधार पर मतलब तो उसकी स्कूटी पर भी बल्ट लगा हुआ है, तो उसका भी मैच करवाएंगे FSL से, उसका क्या उसी लड़की का मतलब। वारदात में चाकू इस्तेमाल हुआ सर, वो कहीं मिला है क्या, लड़के की स्कूटी से या फिर लड़की के? नहीं, वो तो चाकू तो मौके पे ही वो मतलब बरामद हो गया था, जहाँ पर उसकी डेड बॉडी मिली थी, तो उसमें ताकि उस सारे का मिलान करके FSL से तो सच्चाई का पता लग गया। मे बी पॉसिबल हो सकता है लड़के ने जब मार के और उस रेल तड़ा सुसाइड किया। ये लड़की कैसे पहुंची वहाँ, कैसे लड़का लेके, अकेला लड़का लेके चला गया इसको, ये खुद चली गई थी, कैसे क्या हुआ था? नहीं, स्कूल से तो वो अपने आप ही गई है, बाद में पता लगे, अभी हम पूरी तरह से उसकी छानबीन कर रहे हैं, तो तीस में जो भी बात आएगी सामने। सर कल जो लड़का, ये जो लड़का एक्सपायर हुआ है जिसकी सुसाइड की है, कल सिविल हॉस्पिटल में भी 5-6 लड़के पैदल और बाइक के ऊपर वहाँ से फिर लड़की को बाइक पर बैठाया और फिर लेके गए। लड़की पे कौन लेके गया है? नहीं, राहुल तो नहीं, उस लड़के का नाम तो रवि है। हाँ तो रवि होगा। हाँ, उस लड़के का नाम रवि है। भग रही थी और वो CMO नहीं, कल डेड बॉडी तो कल ही मिली है ना, कल रात को मिली, कल रात को मिली है ना डेड बॉडी। 3 की घटना बता रहे सिविल हॉस्पिटल, 7-8 लड़के पैदल थे और एक बाइक हो गई थी। बॉडी कल भी बॉडी तो ऐसा लगता है भाई, जैसे मतलब पुरानी हो, बॉडी देखने से तो ऐसा पता लग सकता है, कम से कम 10-12 घंटे। नहीं, अभी कोई पुष्टि नहीं है उसमें, बाकी चाकू के साथ काफी चाकू से चोट मारा। सुसाइड कहाँ से किया इस लड़के ने, रवि ने? ये अपने जो रेलवे है, रेलवे ट्रैक पे जो दिल्ली की तरफ जाती है ना,
वहाँ पर उसने बग किया। ये क्या करता था लड़का? वो कोई है मेरे ख्याल के पिंकी पिंकी है कोई पान वाला, उसके पास मेरे ख्याल काम करता था ये लड़का। बाकी बाकी तब्दीस हमारी जा रही है, जो भी सच्चाई होगी।